अब तक आपने देखा उस कातिल को ये पता है कि शाही खानदान के कत्लेआम में आपका हाथ था। बेमौत मारे जाएंगे हम अगर उसने अपनी जबान खोल दी। सुल्तान यल्दूज के ताज की हसरत है हमें। इतना यकीन खुद पर? खुद पे नहीं, उस राज पे यकीन है। कैसा राज? हक मेहर में इनके कदमों में हम अपना ताज भी हाजिर करते हैं। अगर ताज अभी तक सुल्तान यल्दूज के पास है, इसका मतलब हमारा दोस्त खलील उसे पाने में कामयाब नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है मिर्ज़ा, उसे ढूंढना होगा हमें। अब आगे कहीं सुल्तान यल्दूज को उसकी खबर तो नहीं लग गई, पर निकाह के वक्त वो ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे उनका काम बिगड़े। इसका मतलब वो जिंदा है। तो उसके हाथ लग भी गया तो उसने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? एक जगह है मिर्ज़ा जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होगी। खलील मियां, मियां आवाज दो। हमारा अंदाजा सही था, सुल्तान यल्दूज ने इन्हें यहीं कैद करके रखा। मियां घबराओ मत, हम आते हैं। बचा लो मुझे मिर्ज़ा, बचा लो मिर्ज़ा। घबराओ मत खलील, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम अभी तुम्हें वैद्य के पास लेकर चलते हैं। वैद्य के पास नहीं, मुझे सुल्तान यल्दूज के सामने ले चलो। उसके चेहरे से नकाब उतारना बहुत जरूरी है, उसका राज पर्दाफाश करना है मुझे। कैसा नकाब, कैसा राज? मिर्ज़ा सब कुछ बताता हूँ, पहले तुम मुझे उसके सामने लेकर चलो मेरे भाई। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। इस रिश्ते की बुनियाद एक वादे पर टिकी है, ऐसा वादा जो शहजादी रजिया ने आपसे किसी मजबूरी में किया था। अगर आपको यह रिश्ता नामंजूर है तो कोई बात नहीं। काश काश सुल्तान अल्तमश को और नासिर मियां को यह पता होता कि हमें मना करने का अंजाम क्या होता है। एक अल्लाह को प्यारा हो गया और दूसरा बुत बना अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। आज शहजादी रजिया हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। शहजादी रजिया, आपका निकाह एक वकील और दो गवाहों के सामने सुल्तान यल्दूज के साथ किया जा रहा है। सिक्के इराजुल वक्त महरे मौजल 50 लाख सोने की अशर्फियों पर तय किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? रजिया, किन ख्यालों में कोई हुई हो? काजी साहब पूछ रहे हैं निकाह कबूल है या नहीं। कबूल है,
कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है। रुकिए, मिर्जा ये क्या बदसलूकी है? इस तरह निकाह में दखल देने का मतलब? और ये आदमी कौन है आपके साथ? हमसे बेहतर सुल्तान यल्दौस बता सकते हैं आपको इसके बारे में। क्या बकवास है? हम इस आदमी को जानते तक नहीं है। याददाश्त कमजोर हो रही है ना आपकी, शायद उम्र का तकाजा है। अब अगर इजाजत हो तो यादों के परतों से धूल साफ करें हम। ये क्या तमाशा है मिर्जा? तमीज से पेश आओ सुल्तान से। ये ऐसे नहीं मानेगा वालिदा सुल्तान। मियां रुकनुद्दीन, आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? उठा के बाहर फेंकवाओ इन दोनों को। सुल्तान यल्दौस के हिमायत करने वालों, पहले ये तो जान लीजिए कि सच्चाई क्या है। वालिदाए सुल्ताना, इस बंदे का नाम खलील है और शाही महल पे हुए कत्लेआम के बारे में इसे सब कुछ पता है। उस गुनाह के पीछे किसका हाथ था? सुल्तान अल्तमश और शहजादे नासिर को मारने की साजिश को किसने अंजाम दिया था? ये वो राज जानता है। बोलो खलील मियां, बोलो मेरे दोस्त, सच बता दो सबको मेरे दोस्त कि असली कातिल कौन है, किसके हुक्म पर तुमने हमला बोला था? बताओ मेरे दोस्त, बताओ सबको।
सुल्तान यल्दोज। यही सच है शहजादी, खुदा को हाजिर नाजिर मान कर ही मैं बयान दे रहा हूं। शाही खानदान के कत्ल के पीछे सुल्तान यल्दोज का हाथ है। इन्होंने ही सुल्तान अल्तमश और शहजादे नासिर को मारने का हुक्म दिया था। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह क्योंकि मैं खुद उन खातिरों में से एक हूं। ये बकवास कर रहा है वालिदा सुल्तान, बकवास कर रहा है ये। हम इस आदमी को जानते नहीं है, हमें फंसाने की कोई चाल की जा रही है। कोई है जो नहीं चाहता है कि दिल्ली सल्तनत और गजनी के बीच के रिश्ते मजबूत हो। हम नहीं जानते इसे, हम तो आज इसको पहली बार देख रहे हैं। कितना झूठ बोलेगा सुल्तान, तेरे गुनाहों का खड़ा भर गया है। अब तेरा असली चेहरा सबके सामने आ गया है, तो यहां से बच के नहीं जाएगा सुल्तान। दोस्त बनके दोस्त के पेट में खंजर भोगता है। तेरे जैसा इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा जो महज शहजादी को अपने बनाने के खातिर उसके अपनों की जान ले ली। दिमाग इंसान, खलल भी सिपाहियों ले जाओ इस पागल इंसान को और बाहर फेंक दो। वालिदाए सुल्तान, ये बकवास इल्जाम लगा रहा हमारे ऊपर। हम ठहरे गजनी के सुल्तान, हम भला ये सब कैसे कर सकते हैं? काजी साहब, हो जाइए शुरू, अब तो ये निकाह होकर ही रहेगा। शहजादी रजिया को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम देकर, उनके अपनों का कत्ल करके उनसे निकाह करने के ख्वाब देख रहा था तू। मेरे दारू देख क्या रहो, सरीकों को बुलाओ। आज तू किसी को भी बुला ले सुल्तान, तू मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। इस
किसी तरह महल के दरवाजे बंद करके सबको बेरहमी से मारा था ना तूने? आज तो कितनी भी चीखे मार सुल्तान यल्दौस, कोई तेरी नहीं सुनने वाला, कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। अच्छा होता अगर उस दिन तेजाब में गला दिया होता तुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। ये सुल्तान क्या कह रहे हैं रसिया? कैसा तेजाब? जीना नीचे। सुल्तान यल्दौस ने मिर्जा को जान से मारने की कोशिश की थी। नहीं, तुम बीच में नहीं पड़ोगी रसिया। नासिर भाईजान! आपको इन जलते हुए अंगारों पर
नंगे पांव चलना होगा।